नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 245वां एपिसोड। आज है 29 मार्च 2021 और अब आईपीएल के लिए काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10 दिन आईपीएल में बचे हैं और आज दिन भर आईपीएल को लेकर 10 खबरें हर टीम के हवाले से निकल कर आई है दोस्तों। चाहे वो कैंप से जुड़ी हुई अपडेट हो, चाहे जर्सी से जुड़ी हुई अपडेट हो, चाहे प्लेयर से जुड़ी हुई अपडेट हो, दिन भर की 10 की 10 आईपीएल खबरें बताएंगे। इंटरेस्ट मीडिया एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो अपनी फैनगिरी नीचे दिखाइए लाइक की बटन पर, लाइक का बटन हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से ये रिपोर्ट आईपीएल और महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने कल ही ये कह दिया है कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग सकता है, संकेत तो मिल चुके हैं और उसके बाद से मुंबई में आईपीएल हो पाएगा या नहीं इस पर संकट के बादल मंडरा रहा है। हालांकि बीसीसीआई का बयान भी आ गया है। बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद आईपीएल इन महाराष्ट्र इवन आफ्टर लॉकडाउन। तो उन्होंने साफ कह दिया कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी आईपीएल जैसा है मुंबई में जो मैचेस होने वाले हैं वो होंगे। अब ये तो बीसीसीआई का बयान था, सरकार क्या फैसला लेती है वो आने वाली वीडियोस में आपको पता लगता रहेगा, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिया इंग्लैंड तीसरे ओडीआई मैच के हवाले से खबर है। स्कोर कार्ड आप देख पा रहे होंगे, रोमांचक मैच था लेकिन भारतीय टीम अंतिम दौर पर जाकर जीत गई। तो एक बड़ा लाइक बनना चाहिए भारतीय टीम के लिए, लाइक के बटन को नीचे से जरूर 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 हिट कीजिए। भारतीय टीम तो जीत गई दोस्तों, लेकिन अब ये जो आगे क्रिकेट का मेला लगने वाला है ना आने वाले 2 महीने में, उसमें आप जरूर जीतिएगा माय 11 सर्कल ऐप पर दोस्तों। अजिंक्य रहाणे, वीवीएस लक्ष्मण यहां पर टीमें बनाते हैं और इन्हें अगर आप हरा देंगे तो जीते हो अमाउंट का 5 गुना पैसा मिलेगा। 10 रुपए डालेंगे इनकी टीम को हराएंगे 50 रुपए कमा लेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे यहां पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हर हफ्ते 1 करोड़ रुपए का मौका है वो जीतने का आपको पूरे प्रीमियर लीग के दौरान। तो बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है, बहुत सारे लोग जीत चुके हैं। देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। ये रिपोर्ट आ रही है एबी डिविलियर्स के हवाले से। एबी डिविलियर्स एवरेस्ट प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं। ईपीएल जो कि नेपाल की घरेलू लीग है, इस साल होने वाली है, उसके हवाले से रिपोर्ट है कि एबी डिविलियर्स जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर सकते हैं। हालांकि कई सारे सूत्र ये बता रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए एबी डिविलियर्स अब क्रिकेट में दिखना चाहते हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अगले साल, माफ कीजिए, इसी साल जो अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें डिविलियर्स का एक अहम रोल साउथ अफ्रीका की टीम के साथ रहेगा और शायद यही एक कारण है कि वो इस साल ईपीएल एवरेस्ट प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं। अब इन्हें खेलना चाहिए नहीं, इस पर आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से निकल कर आ रही है। आज रिकी पोंटिंग दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार वो तो हर टीम का कोच पहुंच ही रहा है, रिकी पोंटिंग के पहुंचने में क्या खास बात है? खास बात है भाई, खास बात ये है कि रिकी पोंटिंग का एक अहम किरदार अब बन गया है क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा है। तो अभी जो सबसे पहली बैठक रिकी पोंटिंग की कल या परसों में होगी वो नए कप्तान को लेकर होगी। अभी तक दिल्ली ने नया कप्तान अनाउंस नहीं किया है तो पोंटिंग पर अब निगाहें हैं 2 से 3 दिन। चैनल को सब्सक्राइब बने रहिए, लाइक करके रखिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि रिकी पोंटिंग एक बड़ा ऐलान दिल्ली की कप्तानी पर करेंगे। आज वो पहुंचने वाले हैं, बिग रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है एक बड़ी खबर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। सीएसके की आर्मी जर्सी में अब सारे प्लेयर्स दिखने लगे हैं। सीएसके ने लंबे अरसे बाद अपनी जर्सी में कोई बहुत बड़ा बदलाव किया है, उनके सारे खिलाड़ियों की नई आर्मी जर्सी में तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अब आप बताइए इनकी नई जर्सी जो अभी वाली है वो अच्छी थी कि जो पहले ये लोग हर साल पहना करते थे वो अच्छी थी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज एक्सक्लूसिव, माय क्रिकेट प्रोडक्शन एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट है। अभी तक 5 प्लेयर्स के ऊपर संकट है, 3 बाहर हो चुके हैं आईपीएल से। आईपीएल शुरू होने में अभी भी 10-11 दिन है लेकिन ये प्लेयर्स
स्वाइप आउट हो चुके हैं अपनी टीम से। तीन खिलाड़ी जो बाहर हो चुके हैं उनके नाम सुन लीजिए। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कंफर्म पूरा सीजन आउट है। उसके अलावा जोस फिलिप आउट हो गए तो उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है। श्रेयस अय्यर चोट के चलते पूरा सीजन आउट हो चुके हैं। जिन पर संकट मंडरा रहा है उनके नाम भी सुन लीजिए। वेन मॉर्गन, रिपोर्ट तो यह है कि ये इंजर्ड है, कहा जा रहा है कि ये सीजन खेलेंगे लेकिन अभी तक इंजर्ड है। जो तीसरा ओडीआई मैच हुआ था उसमें भी उनके हाथ पर पट्टा बंधा हुआ था, तो ये भी अभी संदेह के घेरे में। रविंद्र जडेजा फिट नहीं है, ये वो पांचवें प्लेयर है जो भी संदेह में है, ये भी बाहर हो सकते हैं, ये भी इंजर्ड है। तो कुल मिलाकर हम ये बात बोल सकते हैं कि बुरी खबरें हैं अलग अलग टीमों के लिए, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, चाहे दिल्ली के लिए हो, चाहे आरसीबी के लिए हो, केकेआर है, सीएसके, सबके लिए अच्छी खबरें नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स अभी तक कुल पांच प्लेयर स्वाइप आउट हुए हैं। अब आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, इनमें से कौन खेलेगा कौन नहीं। तीन तो आउट है, दो पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। मिनी कॉम्पिटिशन एग्जीबिशन मैच, मिनी एक तरह से मिनी आईपीएल को लेकर रिपोर्ट है। दोस्तों इसी साल सितंबर में इंग्लैंड में सरे काउंटी एक कंपटीशन एग्जीबिशन मैच कराने वाली है, लीग कंपटीशन कराने वाली है, छोटा सा टूर्नामेंट कराने वाली है। इसमें दुनिया की अलग अलग T20 लीग्स की जो टॉप टीम्स है, जीती हुई टीम्स है, वो आकर खेलेंगी और उनमें से विजेता बनेगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हम जो चैंपियंस लीग हुआ करता था, भारत में भी होता था, साउथ अफ्रीका में एक जमाना था जब चैंपियंस लीग हम देखा करते थे, वैसा कुछ करने की कोशिश है। अब इसमें पेच ये फंसा हुआ है दोस्तों अभी, कि अभी तक किसी भी लीग ने ना ही आईपीएल ने इजाजत दी है, ना ही पीएसएल ने अपनी टीमों को इस कंपटीशन में खेलने की इजाजत दी है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। आप भी चाहते हैं कि इस तरह के कंपटीशन हो ना हो, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी के आधार पर फैसला लेती है पीसीसीआई और दूसरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल को डेविड वॉर्नर पहुंचेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का कैंप लग चुका है। अभी तक मनीष पांडे, केदार जाधव, दो बड़े नाम ज्वाइन कर चुके हैं कैंप को। राशिद खान इस कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं और 1 अप्रैल को डेविड वॉर्नर इस कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं। वॉर्नर के बारे में कई सारी चीजें कहा जा रही है, कई सारे लोग इस टीम को, एसआरएच की टीम को, इस साल के आईपीएल का दावेदार भी बता रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से आ रही है। दिल्ली को नया असिस्टेंट कोच मिल गया। अजय रात्रा दिल्ली के नए असिस्टेंट कोच का पदभार अब निभाएंगे और इस साल के आईपीएल में वो असिस्टेंट कोच दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से रहने वाले हैं। दिल्ली को वैसे मुझे नहीं लगता कोच की जरूरत है, इनकी टीम इतनी सशक्त है और इस बात को हर कोई मानेगा कि भारतीय खिलाड़ी से जीतते हैं और भारतीय खिलाड़ी इनके पास भरपूर है, लेकिन लिया है तो आप तक हमने एक खबर पहुंचा दी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। शाकिब अल हसन को लेकर खबर है। शाकिब अल हसन को एनओसी मिल गई थी, वो भारत आ गए हैं। उन्होंने तस्वीरें शेयर करी है जिसमें वो मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई में वो केकेआर का जो कैंप लगा है उसको ज्वाइन भी करने वाले हैं। केकेआर का कैंप लग चुका है, उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो शाकिब अल हसन आ गए हैं, ब्रैंडन मैकलम भारत आ गए हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी पूरी तरह से गियर अप हो रही है आईपीएल के लिए और डी वाई पाटिल स्टेडियम में इनका कैंप लगा हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें जो आज दिन भर निकल कर आई, हमने आप तक पहुंचाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बनाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वो साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।